अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे ईमेल मार्केटिंग को सोशल मीडिया मार्केटिंग और पीपीसी के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्सेस ईमेल मार्केटिंग। तो प्यू रिसर्च सेंटर की रिसर्च के मुताबिक 74% यूजर्स ने 2017 से 2018 के दरमियान अपनी फेसबुक की ऐप डिलीट की। तो उसकी वजह ये थी कि वो एक कैम्ब्रिज एनालिटिका का इशू क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपनी प्राइवेसी की टेंशन शुरू हो गई थी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने अकाउंट डिलीट कर दिए थे। उसके मुकाबले में ईमेल मार्केटिंग, ये जो रेडी कैटी की रिसर्च है, इसके मुताबिक हर साल 3% यूज़र्स इंक्रीज़ होते रहेंगे 2021 तक। उसके अलावा 49% ऑफ यूएस कंज्यूमर्स आर नॉट वेरी और नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट दैट फेसबुक विल कीप देयर डाटा सिक्योर। मतलब अब जितने ज़्यादा ये लीक्स हुई हैं और इस तरह के जो एनालिटिका के इश्यूज वगैरह हुए हैं, इस वजह से लोग अब काफ़ी ज़्यादा अनसिक्योर फील करते हैं। मतलब 49% जो यूएस कंज्यूमर्स हैं, उनका ये मानना है कि फेसबुक अब सिक्योर नहीं रही, मतलब उनके डाटा की सही प्रोटेक्शन नहीं कर रही। उसके मुकाबले में 66% जो यूएस के एडल्ट्स हैं, वो ये महसूस करते हैं कि जो ईमेल प्रोवाइडर हैं वो उनके डाटा की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद 37% ऑफ यूएस कंज्यूमर्स से दे डोंट ट्रस्ट सोशल मीडिया कंपनीज विद देयर डाटा। मतलब 37% जो यूएस के कंज्यूमर्स हैं, वो ये कहते हैं कि वो अपना जो डाटा है वो सोशल मीडिया के ऊपर एंटर करने से, मतलब उन्हें उन्हें प्राइवेसी के या उसे की चोरी होने के खतरात होते हैं, मतलब वो ट्रस्ट नहीं करते सोशल मीडिया के ऊपर। उसके मुकाबले में 75% ऑफ द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू शेयर पर्सनल डाटा विद ब्रांड दे ट्रस्ट। उसके मुकाबले में जो 75% यूज़र हैं, वो जिस ब्रांड पे वो ट्रस्ट करते हैं उसके साथ वो अपना डाटा शेयर करने पर राजी होते हैं। उसके अलावा 30% ऑफ द मिलेनियल्स इंगेज विद अ ब्रांड ऑन सोशल एट लीस्ट वंस अ मंथ। मतलब जी, ये जो टीन एजर्स वगैरह हैं, 30% वो एक ब्रांड से एक माह में कम से कम एक दफ़ा इंगेज होते हैं। उसके मुकाबले में 37% ऑफ द टीन एजर्स आइडेंटिफाई ईमेल एज द प्रीफर्ड मीन्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब जो 73% लोग हैं, वो अपने जो उनके ईमेल हैं उसको बिजनेस में मीन ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो 48% अमेरिकन हैं, वो सोशल मीडिया पर कम से कम एक दफ़ा इंटरेक्ट करते हैं। लिंक्डइन की रिसर्च के मुताबिक उसके मुकाबले में 80% ऑफ रिटेल प्रोफेशनल्स इंडिकेट ईमेल मार्केटिंग इज द ग्रेटेस्ट ड्राइवर ऑफ कस्टमर रिटेंशन वर्सेज सोशल मीडिया विच आइडेंटिफाइड बाय जस्ट 44%। 88% जो रिटेल प्रोफेशनल्स हैं, उनका मानना है कि जो ईमेल मार्केटिंग है वो ज़्यादा जो बेहतर कन्वर्जन है वो प्रोवाइड करती है, मतलब कस्टमर रिटेंशन सोशल मीडिया के मुकाबले में। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर 2.34 बिलियन यूज़र्स हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त 3.8 बिलियन ईमेल यूज़र हैं। उसके बाद 81% ऑफ यूएस पॉपुलेशन हैज़ सोशल मीडिया अकाउंट। मतलब यूएसए की जो 81% पॉपुलेशन है, उसके पास सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, और 19.9% यूएस की पॉपुलेशन के पास ईमेल अकाउंट वो मंथली यूज़ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद द नंबर शो दैट 52% ऑफ सोशल मीडिया मार्केटर्स एडमिट टू हैविंग एक्सपीरियंस्ड चैलेंजेस व्हेन रिव्यूइंग आरओआई। मतलब 52% जो सोशल मीडिया के मार्केटर्स होते हैं, उनको आरओआई जो है काफ़ी कम मिलती है ईमेल मार्केटिंग के मामले में, मतलब उन्हें काफ़ी परेशानी होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने में। उसके मुकाबले में जो ईमेल मार्केटिंग है, उसकी एवरेज 4400% तक दे सकती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, उसके बाद पीपीसी वर्सेस ईमेल मार्केटिंग।
बिजनेस जो है वो एवरेज $2 कमाते हैं जो वो $1 गूगल एड्स के ऊपर स्पेंड करते हैं। उसके मुकाबले में जो ईमेल मार्केटिंग है वहाँ अगर $1 स्पेंड किया जाए तो आपको $38 जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में मिल सकते हैं। उसके बाद जो एवरेज CTR है गूगल एड्स का वो 3.17 है और डिस्प्ले नेटवर्क्स में 0.46% है। उसके मुकाबले में जो ईमेल मार्केटिंग का CTR है वो 3.2% है। 64% ऑफ कंज्यूमर्स से एड्स टुडे आर अनोइंग, मतलब है जो 64% लोग हैं वो कहते हैं कि एड्स बहुत ज़्यादा अनोइंग हो गए हैं, मतलब उन्हें देख के वो इग्नोर करना पसंद करते हैं। और 73% ऑफ यंगस्टर्स आइडेंटिफाई ईमेल एज देयर प्रीफर्ड मीन्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। उसके मुकाबले में 73% जो यंगस्टर्स हैं वो ईमेल को एज अ मीन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। उसके बाद 92% ऑफ ऑनलाइन एड्स आरंट इवन नोटिस्ड, मतलब 92% जो एड्स होते हैं इंटरनेट के ऊपर लिंक्डइन के रिसर्च के मुताबिक वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। उसके मुकाबले में 70% ऑफ द इंडिविजुअल वांट टू लर्न अबाउट प्रोडक्ट्स थ्रू कंटेंट रादर देन थ्रू ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट। तो ये इंक की रिसर्च के मुताबिक जो 70% लोग हैं वो किसी भी चीज़ को बाय करने से पहले उसके बारे में कंटेंट पढ़ना पसंद करते हैं, मतलब रिसर्च करना पसंद करते हैं। ये नहीं कि मतलब एक ऐड देखा और उसके ऊपर एक अच्छी फोटो है और फ़ौरन बाय कर लिया, उसके बारे में वो डिटेल रिसर्च करते हैं फिर जाकर उसे बाय करते हैं। तो उम्मीद है इस लेक्चर में आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू पॉइंट्स का पता चला होगा और ये भी पता चला होगा कि ईमेल मार्केटिंग किस तरह इम्पोर्टेंट है दूसरे नेटवर्क से। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें। अगर आप कोई न्यू स्किल सीखना चाहते हैं तो skillsacademy.pk से आप सीख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो ऐसे मास्टर्स अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।